Dear students, for solving pair of linear equations in two variable, today we will learn last method of algebraic method called cross multiplication method. For example, if a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, एक equation है, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, एक equation है, तो जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो इस रूल के तहत होगा. इस रूल को याद रखिएगा, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको x ऊपर लिख रहे हैं, x अपॉन रख रहे हैं, तो x को ढक लीजिए और जो कॉफिशियंट है y और c1 के, b1 c2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस करके b2 को c1 से. ऐसे जब y का लिखना हो तो y को ढक लीजिए, a1 को इससे मल्टीप्लाई करिए c2 से, ऐसे a2 को c1 से. फिर जब 1 का लिखना हो तो जो c1 का ऑफिशियंट है इसको ढक लीजिए, फिर a1 b2 माइनस a2 b1. ये रूल होगा. इस एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम देखते हैं. ये हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया है. डायरेक्ट इसी फार्मूला पर लगाएंगे, ऊपर लिखा x अपॉन, यहाँ पर आप ध्यान x को जब ढक लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 × 14 माइनस 5 × 8, फिर इज इक्वल टू ऐसे माइनस वाई अपॉन 2 × 14 माइनस 4 × 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 × 5 माइनस 4 × 3. इस प्रकार हमको मिलेगा x अपॉन 42 − 40 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 28 माइनस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 12. इस प्रकार अगर हम इसको इक्वेट करेंगे दो इक्वेशन को, भाई अगर x की वैल्यू निकालना है तो y वाले को भूल करके x अपॉन टू इज इक्वेट कर दीजिए 1 अपॉन माइनस 2 से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू जो है माइनस 1. फिर अगर y अपॉन माइनस 4 है, इसको इक्वेट कर दीजिए 1 अपॉन माइनस 2 से, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू माइनस 2. इस प्रकार x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके चलता है, जैसे एक्स वाई के बाद माइनस वन के बाद यहाँ प्लस रहेगा. इस रूल को हमेशा याद रखिएगा. एक्स फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे, तो एक्स अपॉन एक्स को ढक लीजिए, बाकी का कॉफिशियंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऐसे वाई का लिखना है तो वाई ऊपर रखिए, इसको वाई को ढक दीजिए, फिर एक्स और सी के कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करिए. ऐसे वन को लिखना है तो वन सी को ढक दीजिए और एक्स और वाई के कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.